हेलो। ओह थैंक यू रोलिका, गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज टू हैव यू हियर। ओके सेम टू यू वर्धा अक्सा एंड ऑल ऑफ यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
So because yesterday interruptions, we were not able to take lecture properly. So we will continue from that key actions area. So we will discuss little because half of we already discuss and learn. So I will continue from the five key actions area. So we were talking about the five key actions area of build public health, public healthy public policy and create supportive environment for the health, send strengthen community actions for health, and audience clear. Okay, so develop personal skills and reorient health services and three P, basic HP strategy. So build public health policy, create supportive environment for health, strengthen community actions for health, and develop personal skills and reorient health services. So हमने इसके जो है वन सर्कल्स जो है और आउटर सर्कल को हमने देखा था, वो क्या है, वो राउंड स्पॉट इसके ऊपर बना, उसके अंदर थ्री विंग्स है, जिसके अंदर जो वन जो है उसके आउटसाइड को ब्रेक करता है, जिसमें हमने जो हमने पढ़ लिया था जी. आज हमने ये जो अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हम इन एरियाज पे बात करेंगे. पब्लिक हेल्थ पब्लिक पॉलिसी से मुराद है कि यू नीड टू मेक द ऑल पॉलिसी रिगार्डिंग द देयर प्रॉब्लम एरिया सो दैट पीपल विल बी गेट अवेयर एंड दे कैन एबल टू प्रमोट देयर हेल्थ. सो उसमें आपको क्या करना है, हेल्दी चॉइसेस है, प्रमोटिंग फिजिकल एक्टिविटीज और फिटनेस के बारे में हम जो है वो एल पॉलिसीज बनाएंगे, प्रिवेंट डिजीज आउटब्रेक एंड सब टाइप ऑफ इन्फेक्शस डिजीज, इंश्योर सेफ फूड एंड वाटर इन कम्युनिटी, प्रिपेयरिंग फॉर इमरजेंसी एंड प्रिवेंटिंग इंजरीज. सो फिर इसमें क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमने फिजिकल टैक्सेस की बात की थी कि हम उनका जो है वो जो टैक्स ऐसी जो इकोनॉमिकली जो है ऐसा उनको वो क्या कर देंगे, यानी कि डिफ़िकल्टीज बना देंगे ताकि लोग उसको अफोर्ड ना करेंगे, उस पर टैक्स लगा देंगे सच एज अल्कोहल सिगरेट फॉर एग्जाम्पल, टू इंश्योर हेल्दी बिहेवियर एंड मेक द एक्सेस मोर डिफिकल्टली स्पेशली फॉर द ग्रुप लाइक यंग पीपल, एंड टू रेज फंड फॉर अदर प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विद द टबैको और अल्कोहल. तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी हम उनके पे बैन कर देंगे या उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, ठीक है, जो कि लाइक फॉर एग्जाम्पल जो अल्कोहल और सिगरेट पे, ठीक है. लेकिन और जो फंड रेजिंग है वो किस पे करेंगे, जो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स पे, जो कि उनसे रिलेटेड टबाको और अल्कोहल से जो प्रॉब्लम हो रहा है उन पर हम जो है फंड रेज कर देंगे. मैंडेटरी वेयरिंग सीट बेल्ट कार्स और हेलमेट मोटरसाइकिल टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट रिलेटेड टू स्ट्रीट एक्सीडेंट, एंड लीगल बैनिंग ऑफ स्मोकिंग फ्रॉम द पब्लिक प्लेसेस सच एज रेस्टोरेंट हॉस्पिटल एंड ट्रेनिंग, ठीक है. सो इन एरिया से हम ऐसे स्मोकिंग और अल्कोहल को क्या कर देंगे, बैन कर देंगे. हम बात करेंगे फूड एंड ड्रग कंट्रोल पे ना. गनीउल्लाह स्लाइड गायब. नहीं, ये फिर नेटवर्क का इशू. ये नेटवर्क का इशू.
सो फूड एंड ड्रग कंट्रोल टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फूड, हमने इस तरह की जो है फूड और ड्रग्स पे भी मेजर्स पे भी इन लेवल्स इनके लेवल्स को भी देखेंगे कि इनके फूड के प्रोडक्शन लेवल क्या, स्टोरेज कैसी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रही है, और लेबलिंग पे भी देखेंगे कि वो एक्सपायरी डेट वगैरह तो नहीं है या और सेल एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल ऑफ काउंटरफिट, तो उसका जो मेन चीज़ है वहाँ से हम लोग मेन एरिया से हम वहाँ से चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि फूड और ड्रग की सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। मैंडेटरी सपोर्ट लेसन बाय मेकिंग दैम पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम, सो सपोर्ट सर्विसेज को जो है करिकुलम का हिस्सा बना देंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट बना देंगे, इस्टेब्लिश नेशनल हेल्थ इक्विटी सर्वेलेंस सिस्टम एंड असेस्ड हेल्थ इक्विटी इम्पैक्ट ऑन द पॉलिसीज एंड प्लान। हम क्या करेंगे कि नेशनल लेवल पर सर्वे किया जाएगा और सिस्टम को जो प्रॉपरली थ्रू असेसमेंट एंड एवेलुएट करके उसके पॉलिसीज के इक्विटी को चेक करने के लिए उसकी उसकी जो पॉलिसीज जो प्लान जो फॉर्मेट किए प्लान किए हैं, वी नीड टू चेक इज इट प्रॉपरली एंड इज द इक्विटीज इज विद द प्रॉपर सर्विंग विद द इक्विटी, सो यू नीड टू केयर टेक केयर ऑफ इट। So creating supportive environment is one of the five actions area influence identified by our charter for health promotion. Supportive environment offer people protection from factors that can threaten good health and the first participation in health and let people expand their capability and self-reliance. ठीक है, सो आप लोगों को क्या करें, ये भी टावर चार्टर की जो है एक्शन एरिया फाइव की एक्शन एरिया का एक पार्ट है जिसमें कि हम ऐसी सपोर्टिव इन्वायरमेंट ऐसी रिसोर्सेज दे देंगे और उनकी पार्टिसिपेशन के जरिए हम उनके अंदर कैपेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस प्रोड्यूस करेंगे। हाँ जी, क्रिएटिव सपोर्टिव इन्वायरमेंट में जो है एग्जांपल इसकी है क्रिएटिव सपोर्टिव इन्वायरमेंट में इंप्लीमेंटिंग वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटजी सच एज एरियल और एयर हाउस होल्ड स्प्रे एंड वाटर्स एंड सैनिटेशन प्रोग्राम एयर क्वालिटी कंट्रोल मेजर इंक्लूडिंग द इंडोर एयर क्वालिटी। ठीक है, सो इसमें जो हम ऐसी स्ट्रैटेजी जो उनके सपोर्ट के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी जो है डिवेलप करेंगे, जैसे वाटर से रिलेटेड और सैनिटेशन से कोई प्रॉब्लम है तो वी विल टेल देम दैट हाउ टू you get the safe waters and to maintain the sanitation, that like if you are facing the environmental some issues you can spray, agar for example koi aisa endemic aa jata hai, theek hai, to usme jaise dengue hai to usme hum spray ko bata ke gharon mein kis tarike se spray karke unko aisi cheezon se aap prevent kar kiya ja sakta hai, yani ki aap unko aisi strategies ke unki participations ke zariye jo hai inke supportive environment de denge ताकि लोग खुद से अपनी सेहत को खुद से मैनेज कर सके, अपने हेल्थ प्रॉब्लम को मैनेज कर सके। रेगुलेटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोल्यूटिंग इंडस्ट्री फार फ्रॉम द पॉपुलेशन सेंटर एरिया से क्या करेंगे कि हम उन चीज़ों को कहेंगे कि जो पोल्यूटेड है पॉपुलेशन एरिया से फार जो है होनी चाहिए, सजेस्ट करेंगे। मेकिंग द प्रमोशन ऑफ हेल्थ आर रिक्वायरमेंट फॉर गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस एंड मेक वर्क प्लेसेस हेल्थियर। ठीक है, सो हम क्या करेंगे ताकि हेल्थ प्रैक्टिसेस को वर्क प्लेस पर हेल्थियर करने के लिए यू नीड टू कोऑपरेट द फॉलोइंग, फॉर एग्जांपल मेकिंग हेलमेट अवेलेबल टू कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनके लिए हेलमेट को जो है मेक इट अवेलेबल एंड इंट्रोड्यूसिंग मैक्सिमम ड्राइविंग आवर्स फॉर द लॉरी ड्राइवर, जो जिन्हें ट्रक ड्राइवर वगैरह है उनके जो ड्राइविंग आवर्स हैं उनको मैक्सिमम कर देंगे। Taking measure to prevent needle stick injuries in services. So healthcare practitioners they are facing according to the environment and according to the work assignment area. We will handle and support the supportive environment, give them the supportive environment so that people can have the capability to maintain and self reliance about their health. Building speed bump on the road leading through the residential area to prevent street accident involving children, the elderly and handicapped. ठीक है, सो हम जो है elderly और handicapped और children वगैरह की जो है को accident से बचाने के लिए करेंगे कि street में road bump वगैरह लगा देंगे ताकि लोग इन चीज़ों से बच सके, और उनको यानी कि एक सपोर्ट दे रहे हैं, उनको ऐसे resources provide करेंगे ताकि लोग खुद से अपनी मदद के तहत जो है खुद कैपेबल हो जाए टू हैंडल देयर इशू।
स्ट्रेंथन कम्युनिटी एक्शन थ्रू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जब हम कम्युनिटी पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या करते हैं, मैंने जैसे कल भी बताया था कि नॉलेज इज पावर एंड एम्पावरमेंट जो है, पावर जो है ऑलवेज मेक द ब्रिंग द एम्पावरमेंट। पावर के जरिए जो है हम जो है एम्पावरमेंट प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज नॉलेज हम जो डिसीजन भी करते हैं पावर की बेस नॉलेज की बेस पे करते हैं, और जब आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो यू गेट एम्पावर्ड बाय द नॉलेज एंड मेकिंग डिसीजन में एडवोकेट थ्रू द एडवोकेसी थ्रू यूजिंग द ऑटोनमी। So everything is you are using knowledge to make in decisions and you will get empowered. So strengthen community action is defined as expanding the resources and capacity of the community to make decision and take the collective action to increase their control over the determinant of health. Strengthening community action is defined as expanding the resources and capacity of communities to make the decision and take collective action to increase their control over their determinant of health. ठीक है, so हमने क्या करना है कि उनकी capacity को increase करना by providing the resources or to involve them in decision making and have the community participation. ठीक है, collective action के जरिए क्या करना है ताकि लोग जो है can able to control their own determinant of their health. At the heart of this process is empowerment of communities, their ownership and control of their own endeavor and destinies. ठीक है, so हमने empowerment जैसे सीखा था कि empowerment क्या है, एक ऐसा weapon, ऐसा tool है जिसके जरिए जो है, यानी कि heart of this process है empowerment जो है वो आपको जो है स्ट्रेंथ करता है, कम्युनिटी एक्शन को स्ट्रेंथ करता है, और कम्युनिटी जब आप पार्टिसिपेशन और उनकी इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं तो कम्युनिटी गेट एम्पावर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग। सो इन दिस वे दे कैन एबल टू आइडेंटिफाई देयर ओन सोशल डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ। सो सोशल डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ में क्या जाता है, एम्प्लॉयमेंट और वर्क कंडीशन है, एजुकेशन लिटरेसी है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, सोशल सपोर्ट एंड कोपिंग स्किल्स है, ठीक है, एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज है, जेंडर है, बायोलॉजी जेनेटिक है, हेल्थ बिहेवियर है, एंड सोशल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, इनकम एंड सोशल स्टेटस है, एम्पावरमेंट एंड वर्क कंडीशन है। सो ऑल दिस फैक्टर कैन अफेक्ट ऑन द पर्सन हेल्थ। तो आपने इसके लिए क्या करना है, ये जो सोशल डिटरमिनेंट को ओवरकम करने के लिए वी नीड टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी थ्रू द मेकिंग दम इन्वॉल्व इन द बाय फॉर देयर ओन हेल्थ। स्ट्रेंथन कम्युनिटी में सेटिंग हेल्थ प्रायोरिटीज है, मेकिंग डिसीजन कोलैबोरेटिवली है, प्लानिंग हेल्थ प्रमोटिंग स्ट्रेटजी है, आइडेंटिफाई एंड इफेक्टिवली यूज रिसोर्सेज, इंप्लीमेंटिंग एंड एवलुएटिंग स्ट्रेटजी है। सो थ्रू दिस फाइव टाइप ऑफ एक्शंस या प्रायोरिटीज, आपने पहले प्रायोरिटी सेट करनी है, फिर अपने डिसीजन को कोलैबोरेटिव, जब भी अपने कम्युनिटी की स्ट्रेंथन को जो है वो एम्पावर करना है, या कम्युनिटी एक्शंस को जो आप क्या कहते हो थ्रू नॉलेज उनको पार्टिसिपेट, तो आपने पहले प्रायोरिटी को सेट करना है, फिर उनकी कोलैबोरेटिव डिसीजन यानी कि उनको पार्टिसिपेट कराना है, फिर उनके लिए वो स्ट्रैटेजीज को प्लान करना है जो कोलैबोरेटिव एक्शन के जरिए जो अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए हैं उनको जो है प्लान करना, फॉर हेल्थ प्रमोशन स्ट्रैटेजी उनके लिए प्लान करनी, आइडेंटिफाई द इफेक्टिव यूज रिसोर्सेज, और फिर और उनको आइडेंटिफाई करके अपने इफेक्टिव रिसोर्सेज के जरिए उनको सॉल्व करना है, इंप्लीमेंटिंग एंड एवेलुएटिंग स्ट्रैटेजी, फिर अपने इंप्लीमेंट करके उसको एवेलुएट भी करना है कि हाउ इट इफेक्टिवली वर्किंग और नॉट। जी डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया? Selected example to strengthen community actions are self-help group and community organized services for people living with HIV and AIDS, former tuberculosis, TB patient, creating health education committee to
whole debate about TB, thereby reducing the stigma linked to TB. ठीक है, सो इसमें हमने देखना, जैसे HIV की एग्जांपल है, अगर आपने करना तो आप उनको इनके बारे में क्या करोगे, सबसे पहले उनके प्रॉब्लम, उनके पार्टिसिपेशन के जरिए उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस पर प्रायोरिटीज को सेट करोगे, प्रायोरिटीज को सेट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो मैं पीछे बता रही थी ना, हाँ ये वाला, प्रायोरिटीज को सेट करना है, देखना कि उनका, उनकी कोलैबोरेशन करानी है, फिर उनको क्या करना है, स्ट्रैटेजीज को ओवरकम करना है, और फिर उन प्रॉब्लम को देख के रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, फिर इम्प्लीमेंट करके उनको एवेल्युएट भी करना है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, जैसे HIV के बारे में है तो, या TB के बारे में है तो, हम इस तरीके से उनके साथ जो है. हेल्थ प्रमोशन क्या है, सपोर्ट पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एजुकेशन फॉर हेल्थ एंड एनहांसिंग लाइफ स्किल्स. By so doing it, increase the option available to people to exercise more control over their own health and environment and to make choices conducive to good health. This has to be facilitated in the school, homes, work and community setting. Action is required through the educational, professional, commercial and voluntary body and within the institution. जी हाँ, जरा तो मैं समझ आ गई, वेरी गुड. ठीक है, यानी कि डेवलपिंग पर्सनल स्किल में जब आप उनको इंडिविजुअली लेवल पे उनके उनके एरियाज के बारे में बताएंगे, तो इसका मतलब है आप उनको पर्सनल लेवल पे उनको ट्रेंड कर रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं. ठीक है, इससे कि उनकी लाइफ स्किल जो है एनहेंस हो जाएगी. ठीक है, और दे विल एबल टू एक्सरसाइज द मोर कंट्रोल ओवर देयर ओन हेल्थ एंड एनवायरमेंट. तो इसके जरिए जो अपनी अपनी हेल्थ और एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकते, मेक द चॉइसेस गुड फॉर द हेल्थ. दिस कैन बी फैसिलिटेटेड इन दिस. This can be, this has a facilitated in the school, home, work and community setting. ये इन तमाम areas के अंदर इन चीज़ों को facilitate करना चाहिए. Action is required through the educational, professional, commercial and voluntary bodies and within the institution themselves. और आपने इन सारे areas के अंदर, इसके अलावा जो है institutional को भी जो है इसके अंदर जो है इन सारी चीज़ों को implement करना चाहिए, ताकि individual level पे आप persons को strengthen कर सकें, ताकि वो अपने जो ये एक्टिविटीज एक्सरसाइज करके वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल एंड ओवर देयर ओन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. So developing personal skill is the about health promotion, providing information, education for health and enhancing the life skill. Developing personal skills include development of health literacy, यानी कि health के बारे में जो आगाही देते हैं, related problem के, foundation of motor skills and gaining an understanding of link between the risk behavior and lifestyles. तो इन दोनों के दरमियान का जो है link है वो भी बताएंगे कि रिस्क क्या है, बिकॉज ऑफ रिस्की बिहेवियर की वजह से और लाइफ स्टाइल की वजह से क्या डिजीज होती हैं, आप उनके बारे में उनको स्ट्रेंथन करेंगे. डेवलपिंग योर पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल, आइडेंटिफाई द एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट. पहले आप अगर अपने अपने स्किल को इंटरपर्सनल लेवल पे देखना है तो क्या करें, आइडेंटिफाई द एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. फोकस ऑन योर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, एंड इम्प्रूव योर मोर एडवांस कम्युनिकेशन स्किल. फिर उसके लिए मोर अपने बेसिक को देखना है, फिर अपने जो एडवांस लेवल पर भी देखना है कि क्या स्किल्स और कम्युनिकेशन यू नीड. लुक inward and use practice your interpersonal skill and reflect on your experience and improve. ठीक है, इन सब चीज़ों के जरिए फिर अपने अपने आप पे देखना, अपने एक्सपीरियंस को देखना, अपने आप को देखना, ताकि आप जो है अपनी पर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सको. इनकी एग्जाम्पल है लाइफ स्किल्स एजुकेशन इन द स्कूल डेट कुड इंक्लूड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, HIV, जेंडर रोल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, entrepreneurial skills hai, supporting young people as a social change agent, ICT, information and communication technology, for the interactive website, blog, that is etc. to share culturally sensitive information or do online training. ठीक है, सो उनके लिए एग्जाम्पल ये है कि जैसे टॉपिक क्या होना चाहिए, जैसे जेंडर्स है,
रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, सेक्सुअल हेल्थ है, ये इनसे रिलेटेड आप उनको हेल्थ एजुकेशन देते ताकि इंडिविजुअल को स्ट्रेंथन की पर्सनल स्किल को जो है स्ट्रेंथन किया जाए और कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं जितने भी यंग पीपल के जो सोशल जो चेंजेस की वजह से उनकी चेंजेस उनकी ज़िंदगी में आ रही हैं उनसे रिलेटेड हमें उनको इन्फॉर्मेशन दें। टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग हेल्थ का आपको यूज़ आना चाहिए, रिसर्च आ टारगेट पॉपुलेशन वाया हेल्थ वाया फेसबुक एंड आप और इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से शेयर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए कर सकते हैं। लाइक आप किसी पे फेसबुक के जरिए आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं ताकि कल्चरली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डू ऑनलाइन ट्रेनिंग। कोई भी ऐसी कल्चरली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी है तो यू मस्ट गो फॉर द ऑनलाइन ट्रेनिंग सो दैट यू विल नो कि विच इंफॉर्मेशन यू विल एबल टू शेयर एंड विच विल नॉट बी। ओके सो और क्या ट्रेनिंग ऑफ वॉलंटरली ट्रेनिंग करवाएंगे, ऑफन पेशेंट देमसेल्फ टू एम्पावर अदर्स, जो पेशेंट का जिनका प्रॉब्लम हो वो भी एक दूसरे को दूसरों को भी सिखा सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ पेयर एजुकेटर टू प्रमोट बिहेवियरल चेंजेस इन अ हार्डर टू रीच ग्रुप्स विद अ हायर रिस्क ऑफ बिहेवियर सच एज सेक्स वर्कर, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर एंड मैन हु हैव सेक्स विद मैन। सो दिस टाइप ऑफ जो है बिहेवियर जो रिस्की बिहेवियर है जिनमें मुश्किल से आप समझते हैं कि डिफिकल्टी हो सकती है के हाई रिस्क बिहेवियर हैं उनमें से जो कौन कौन से आ जाते हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, जो ड्रग अब्यूजर्स हैं, ठीक है, एंड जिनका सेक्स विद मैन। सो देयर इज अ सर्टेन एरियाज यू नीड टू हैव ट्रेनिंग और पीयर एजुकेटर्स टू प्रमोट हेल्थी बिहेवियर टू चेंज द हार्डर टू रीच ग्रुप्स विद इन लोगों के दरमियान जो है यू नीड टू टेक प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन। सो एम्पावरिंग इनोवेटिव क्रॉनिक डिजीज सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, सो नई टेक्निक नए तरीकों से जो है क्रॉनिक डिजीज़ से रिलेटेड हम पेशेंट के सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे कि ऐसी डिजीज़ में खुद को कैसे प्रोटेक्ट है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करके आप इनसे जो है ओवरकम कर सकते हैं। यू कैन पर्सनली स्ट्रेंथन एम्पावरिंग मैन टू चैलेंजिंग कन्वेंशनल मस्कुलिनिटी कंसेप्टन, empowering men to challenge in conventional masculinity and concept in relation to risk taking and jo hai yani ke jo conventional masculinity ka matlab jo male ki jo power jo mardanagi jo wagaira jo hoti hai jisko aise challenges hote hain jisme aap unko change nahi kar sakte ya unke behavior ko change nahi karte, concept in relation to risk taking and not seeking help या वो ऐसी चीज़ों को देखना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ देयर मेल डोमिनेंट, ठीक है, तो वो ऐसी चीज मैंने हेल्प एंड लेट कॉन्सेप्ट ऑफ थैंक यू रोलिका आपको क्लियर है एम्पावरिंग मैन टू चैलेंजिंग, हम ऐसी चीज़ों को जो मैन के लिए डिफिकल्ट टू चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते या उनको उनका जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, नॉट सीकिंग और दूसरों की हेल्प नहीं लेते हैं, लेटर यूज ऑफ सर्विसेज और बहुत ज़्यादा ऐसी सर्विसेज को वो लेट अडॉप्ट करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको जो है एम्पावर करना पड़ेगा मैंस को ताकि वो इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट भी करें ताकि आप इंडिविजुअल एंड पर्सन्स को ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सो रीओरिएंट हेल्थ सर्विसेज, the role of the health sectors must move increasingly in health promotion direction beyond its responsibility for providing ethical clinical and curative services, reorienting
health services also require the stronger attention to health health research as well as changes in the professional education and training. ठीक है, सो रीओरियंट सर्विस कर यू नीड टू यू नो उनको रीट्रेनिंग करने की जरूरत है, उनको रीओरियंट करना है रिगार्डिंग टू हेल्थ सर्विसेज. आप उनको बताएंगे कि व्हाट इज़ अ ट्रेंड एंड व्हाट वाज द इश्यूज रिगार्डिंग द यू नो हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड, उनको क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या वो जो प्रोफेशनली एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर जो चेंजेस हैं डैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोफेशन. डैट्स वाई जो अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो पीपल विल नॉट अवेयर अबाउट व्हाट दे हैव नीड एंड व्हाट वाज देयर स्ट्रेंथ एंड उनके अंदर स्ट्रेंथ एंड उनकी जो है लैकिंग का पता नहीं होगा. सो थ्रू द रीओरिएंट सर्विसेज वी मस्ट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू मेक देम कॉन्फिडेंट फॉर प्रोवाइडिंग क्लिनिकल एंड क्यूरेटिव सर्विसेज. इसमें बहुत सारे रीओरिएंट हेल्थ सर्विसेज के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे STDs हैं, टेस्ट हैं और कैंसर स्क्रीनिंग है, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं रीओरिएंट. तो रिगार्डिंग दिस एरिया यू कैन हेल्प देम. So reorient may Ottawa Charter therefore call upon the health sector to become involved in health promotion initiative that seek to prevent illness, improve health and avoid diseases. जो अटावा हेल्थ चार्टर का ये जो एक्ट की एक्शंस है, इसका मतलब है कि ऐसे इनिशिएटिव लेना जो ताकि जो के लें ताकि जो प्रिवेंट कर सके इलनेस से एंड इम्प्रूव हेल्थ कर सके एंड अवॉइड डिजीजेज. ठीक है, सच अप्रोचेज इंक्लूड आप इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं थ्रू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कैंसर स्क्रीनिंग, प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड हेल्पिंग पीपल टू क्विट स्मोकिंग एंड लूज वेट. सो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज इफ यू विल रीओरिएंट एंड इंट्रोड्यूस एंड टेक इनिशिएटिव टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स, सो वी विल यू नो उनको जो है दोबारा से रीओरिएंट करके उनकी जो स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं. Moving toward futures, caring holism and ecological are essential issues in developing strategy for health promotion. A guiding principle should be that women and men should become the equal partner in each phase of planning, implementations and evaluation of health promotion service. सो मूविंग अपने फ्यूचर की तरफ अगर मूव होना था आपके लिए केयरिंग और होलिज्म और इकोलॉजिकल एसेंशियल इश्यूज इन इस तरह की स्ट्रेटजी पे हमें डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि हेल्थ को प्रमोट किया जा सके. और गाइडिंग प्रिंसिपल जो है जैसे मैन और वुमेंस को दे शुड बी इक्वली उनको पार्टिसिपेशन देनी चाहिए ताकि दोनों इक्वली पार्टिसिपेट एंड थ्रू अगर हम इक्वली पार्टिसिपेशन के जरिए वी एनहेंस ऑल द ऑब्जेक्टिव एंड ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स and each phase of planning and implementations and evaluation of health become the activities. Commitment to health promotions, isko commitment kaise kar sakte hain, participation at the conference, page 2, move into arena of healthy public policy and advocate a clear political commitment on the health or to health and equity in all the sectors. Theek hai, हमने जो इस अरीना के अंदर जो मूव करना है तो हमें हेल्दी पब्लिक पॉलिसीज को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है ताकि जो है जो एडवोकेट कर सके क्लियर पॉलिटिकल कमिटमेंट टू हेल्दी. तो इन चीज़ों की तरफ मूव करने के लिए आपको हेल्दी पब्लिक पॉलिसीज बनानी है ताकि जो है आप लोगों के राइट के लिए एडवोकेट कर सके और प्रॉपरली और फेयरली जो है इन ऑल सेक्टर की जो है कमिटमेंट के साथ जो है हम इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट द प्रेशर टुवर्ड द हार्मफुल प्रोडक्ट, उनकी तरफ आपका अग्रेसिव जो है ना अप्रोच होनी चाहिए. रिसोर्स डिप्लेशन है, अनहेल्दी लिविंग कंडीशन है, एनवायरमेंट है, बैड न्यूट्रिशन है एंड फोकस अटेंशन ऑन द पब्लिक हेल्थ इश्यूज सच एज पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, हाउसिंग एंड सेटलमेंट.
ये सारे चीज़ों को आपने जो है बींगा आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए फॉर द हेल्थ प्रमोशन, आपने उनको बड़ा अग्रेसिवली इन चीज़ों को अप्रोच करना है ताकि हम लोगों के जो है तो इस ये प्लज था कि इस जो है कमिटमेंट जो की गई थी इस हेल्थ प्रमोशन के बारे में, डेट वॉज द प्लज पार्टिसिपेंट एट द कॉन्फ्रेंस, जब पार्टिसिपेंट ने कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो प्लज जो है वो लिया था, ठीक है, उन्होंने ये पॉइंट जो थे इनको डिस्कस किया था कि आपका कोई भी ऐसा जब कोई हार्मफुल जब प्रोडक्ट या रिसोर्स ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो अग्रेसिवली वी नीड टू टेक द डिसीजन मेंटली. सिमरा समझ आ गई है? सबको ओके. हाँ जी, अदर अनदर कमिटमेंट द रिस्पॉन्ड टू द हेल्थ गैप विद इन एंड बिटवीन द सोसाइटी, क्या 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 गैप्स हैं और किस तरह से जो टैकल इनइक्विटीज इन जो जो अनफेयर सिचुएशन है उनको किस तरीके से हैंडल करना है प्रोड्यूस बाय रूल एंड प्रैक्टिस ऑफ दिस सोसाइटी, उनके लिए आपको क्या करना रूल और जो है प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर आपको ऐसे ऐसी जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि जो है आप इनइक्विटीज को ओवरकम कर सके. एक्नॉलेज पीपल एज मेन हेल्थ रिसोर्सेज, acknowledge people as main health resources to support and enable them to keep themselves, their family and their friends healthy through financially and other means, and accept the community as the essential voice in matter of fit health living and health and living condition and well-being. ठीक है, सो हमें लोगों को क्या करना है, acknowledge as the main source of health sources का, जैसे उसने कहा है to support and enable to make them their family and friend healthy through the financial and other means. इनके बहुत सारे resources के जरिए आप community के लोगों को क्या कर सकते हो, उनको क्या कर सकते हो, उनको strengthen कर सकते हो, उनको resources provide करके उनको support कर सकते हैं ताकि लोग individual level पे खुद से अपनी अपनी मदद तहत अपनी मदद आपके तहत जो है अपने resources के अंदर रहते हैं उन चीज़ों को जो है promote कर सकें या उन लोगों उन चीज़ों को के जरिए जो है and they can able to get strengthened. Reorient health services and their resources toward the promotion of health, share of power with other sectors. So discipline and people's discipline with and with people, recognize health and its maintenance as a major social investment challenges and address the overall ecological issues of our way of living. ठीक है, सो आपने आपने ऐसी सर्विसेज को रीओरियंट करना, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड रिसोर्सेज प्रोवाइड करना दैट पीपल कैन and share power their other sectors, ताकि वो ना सिर्फ अपने हेल्थ को प्रमोट करना बल्कि उन पावर्स को दूसरे डिसिप्लिन के साथ भी शेयर करें ताकि लोग पावर जो है लोगों को आप उनसे रिलेटेड उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकें. और जो जितने भी आपने सोशल इन्वेस्टमेंट करनी है, जो चैलेंजेस जो है आपके सामने हेल्थ रिलेटेड टू हेल्थ, उनको रिकोगनाइज करके क्या करना है, इकोलॉजिकल इशूज फॉर आल वे ऑफ जितने भी इन्वायरमेंटल इशूज हैं, जितने भी बड़े बड़े चीज़ें इकोलॉजिकल इशूज होते हैं, वी नीड टू रिकोगनाइज एंड मेक द इन्वेस्टमेंट एंड इन ऑर्डर टू अचीव दैट. सो हम बात कर रहे थे कि इसमें जो है मेन जो है डेवलपमेंट सिंस अटावा, जो हमने देखा कि अटावा के बाद जो है जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है, मेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द हेल्थ प्रमोशन सिंस 1986 अटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन, वो A1 जो है 1886 का अटावा चार्टर हेल्थ प्रमोशन जो है वो 86 के अंदर हुई है. 88 में एडिलेड बिल्डिंग हेल्थ पब्लिक पॉलिसी, ये जो 88 में हुई है, 1991 में
Sundasval support environment for health, and in 97 mein Jakarta leading HP into the 21st century, new players for the new era. ठीक है, सो इस पे जो ये वाली जो है पॉलिसी बनाई गई, इस पे ये वाली जो क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस इस नाम से कराई. फिर 2000 के अंदर देख तो मैक्सिको ब्रिजिंग द क्वालिटी गैप, इसको ये टाइटल मिला. 2005 में बैंकॉक में चार्टर ऑफ एच पी इन द ग्लोबलिस्ट वर्ल्ड, एंड 2019 में नायरो प्रमोटिंग हेल्थ एंड डेवलपिंग क्लोजिंग द इम्प्लीमेंटेशन गैप. एंड 2013 के अंदर देखते हैं कि प्लान फॉर हेल्सिंकी हेल्थ फॉर ऑल पॉलिसीज. ठीक है, तो ये जो है हेल्थ फॉर ऑल पॉलिसीज जो है वो आपने देखा है कि ये किस तरीके से टाइमली जो है इन पे काम होता रहा है, और ये जो पॉलिसीज हैं अगेन एंड अगेन इनके अंदर जो चेंजेस आती रही. ये जो मैंने आपको बताई, ये जकार्ता इनका जो सिंबल्स है, लोगोज हैं, अटावा का आपने देखा, ये सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी जो अब तक ज़्यादातर मोस्टली हम इस अटावा चार्टर पे ही के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हैं. मैक्सिको का 2000 में है. ठीक है, नैरोबी जो है 2009 के अंदर, जकार्ता 1997 के अंदर, एडिलेड 1988 है, एंड बैंकॉक को है 2005 में, जिनकी मीटिंग डिफरेंट एरियाज के अंदर हुई है. प्रमोटिंग हेल्दी कम्युनिटीज के लिए जो एड्रेस बेसिक नीड्स सच एज फूड शेल्टर एंड एजुकेशन, प्रमोट हेल्दियर लाइफस्टाइल्स वन पर्सन एट अ टाइम, नॉक डाउन बैरियर ऑफ टू हेल्थ स्क्रीनिंग एंड केयर नीड. क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, यानी कि आपको अगर हेल्दी कम्युनिटी को प्रमोट करना है तो यू मस्ट एड्रेस द फॉलोइंग. आपने उनको बेसिक नीड को फुलफिल करना है, जैसे फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, बेसिक नेसेसिटी है. इसके जरिए भी हम उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, उनके लाइफ स्टाइल्स को. ठीक है, वन पर्सन और एक यानी कि एक दफ़ा डिफरेंट लोगों के डिफरेंट प्रॉब्लम आपने वन बाई वन उनको ट्रीट करना है. लॉकडाउन बैरियर्स टू हेल्थ केयर, ठीक है, आप कैसे नॉक डाउन करेंगे जो बैरियर्स हैं थ्रू द स्क्रीनिंग, एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, उनके लिए ऐसे मौके मुहैया करेंगे ताकि लोग अपनी जो है हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं. प्रिंसिपल जो है इनके डिटेल के अंदर जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर हेल्थ प्रमोशन के प्रिंसिपल हो गए, की एक्शंस एरिया हो गया. ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्थ प्रमोशंस के बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो आप ऑफ कोर्स इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे. सो सिमरा, आप सबको समझ आ गई है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. की एक्शंस एरिया जो थे ना, जो पब्लिक अटावा चार्टर के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें जो 5 की एरिया थे उस पर जो पॉलिसीज बनी थी कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उसकी एग्जांपल्स हैं, विद एग्जांपल हमने जो है उन एरियाज को डिस्कस किया है ताकि लोगों को थ्रू द अवेयरनेस एंड थ्रू द यू नो उनको रिसोर्सेज एंड उनकी पार्टिसिपेशन के जरिए इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सके. So let me have an attendance, please.
Thank you.
सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. बाय बाय. आई हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस ऑलरेडी, सो डोंट वरी. अली हमजा इज अगेन एब्सेंट. मोहम्मद आमिर इज नॉट कमिंग अटेंडिंग द क्लास एंड एज वेल शाहरुख खान, दे आर रेगुलरली एब्सेंट. अली हमजा सम टाइम, बट द शाहरुख एंड दिस मोहम्मद आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. ऑल आर बेटर. एंड अनदर वन हूरिया. Today she is only present, otherwise all the time she is absent. Huriya Tariq. Now she was the present. Thank you Simra, God bless you. Khuda aapko barkat de.